हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई ये गाड़ी जो है ना आपकी, ये गाड़ी का बेस मॉडल है थार का आपकी, और ये गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 11,25,000 रुपये। थोड़ी सी गाइस मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, मुझे फीवर वगैरह आ रहा है, गोली खा के लाइक मैं शूट कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा आवाज़ में देख लेना है ना। बात करते हैं पूरी बेस मॉडल ब्लैक कलर 2024 की प्रोडक्शन कीमत बढ़ के आई है गाड़ी की। तो सीन क्या है भाई, करीब 25,000 से 30,000 रुपये का फ़र्क आपको इसमें लाइक देखने को मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको फुटरेस वगैरह अलग सा देखने को मिलता है, फ्रंट में DRL भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता, फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं इसके अंदर। एंड यू सी जो हुड है गाड़ी का वो सब चीज़ लाइक डिट्टो सेम है। ये 117 BHP की पावर देती है आपको, एंड ये गाड़ी जो है भाई आपको करीब करीब 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी देती है। थार की ब्रांडिंग यहाँ आती है, थार की ब्रांडिंग इधर आती है, एलॉय वेलॉय कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लाइक काफ़ी लाइट है यार। इसका जो डिग्गी है ना, ये रियर व्हील ड्राइव है, पीछे देखते हो ये बढ़िया सा लगता है यार, स्पार्कल सा इफेक्ट है। और इसका ये टेलगेट बहुत हल्का है क्योंकि एलॉय का वजन नहीं है ना इसमें, तो बहुत हल्का फील होता है, बढ़िया। ये सब LED सा देखने को मिलता है, इंडिकेटर रहेगा थार वार की ब्रांडिंग। बात करते हैं पूरी रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दो देखने को मिलते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं आता गाड़ी के अंदर, है ना। ये रही थार की ब्रांडिंग, लो भी माई भी यहाँ पर है, महिंद्रा का लोगो है रहा। 6 स्लैट ग्रिल देखने को मिलती है आपको इसके अंदर गाइस, एंड इसी इंडिकेटर यहाँ पर है। चाबी आपको कंपनी दो ऑफर कर रही है, सेंट्रल लॉकिंग तो आ रही है, एक चाबी लाइक ऐसी है बिल्कुल, एंड एक में बटन देखने मिलते हैं इससे लॉक, इंडिकेटर ब्लिंक। दोबारा दबाता हूँ, इसको दबा के रखूँगा तो ऐसे आवाज़ करने लगती है, ठीक है, ऐसे करके लाइक गाड़ी आपकी आवाज़ करने लगती है। बाकी आप इस प्रोफाइल पर चेक करो, ब्लैक थार काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। फेंडर पर इंडिकेटर है, FM का एंटेना वगैरह यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता, MHOK वगैरह की कोई ब्रांडिंग भी देखने को नहीं मिलती है। ORVM भी आपको हाथ वाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, और फुटस्टेप थोड़ी अलग सी शेप का है, मतलब बेसिक सा। C8 का पहिया है, C8 सिजार ऑल टेरेन टायर 245/75R16, ठीक है ना भाई, मतलब 16 इंच का रिम है आपका इसके अंदर। एक बार गाड़ी का हुड को मैं ओपन करता हूँ, हुड चेक करो, यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से क्लैंप को खोलते हैं गाइस, ऐसे करके ये ऐसे करके हो जाता है ओपन। तो भाई ये जो इंजन है इसका, ये 1500 cc का इंजन है आपका, 117 PS की पावर, 300 Nm का टॉर्क, कोई डैम्पिंग वगैरह नहीं है, कवर वगैरह यहाँ आपका लगा हुआ है, बढ़िया लग रही है, ठीक है। ऐसे करके करते हैं बंद आपका, यहाँ पे क्लैंप लगाओ ऐसे करके, ये ऐसे करके हो जाता है बंद। भाई मैं अच्छे आवाज़ ही डालता हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आज। फेंडर वगैरह इंडिकेटर देख लिया आपने, यहाँ पे थार की ब्रांडिंग इधर है, ये सब चीज़ देख लो। अंदर से भी दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखो गाइस, स्टीयरिंग लेदर रैप्ड वगैरह कुछ भी खैर नहीं आता, फोम जैसी है, कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं, म्यूजिक सिस्टम खाली है, ये देख रहे हो बिल्कुल खाली है। चेक एयर, एक रिवर्स पावर विंडो फ्रंट में मिलती है, साउंड के लिए भी ऊपर कुछ नहीं है बिल्कुल, कोई स्पीकर नहीं है, खाली जाली है, फेक है, इसमें कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है ना। साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दिया, रियर व्हील ड्राइव का बैज है यहाँ पे, फ्रंट में डिस्क है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। आप इधर आते हो गाइस, एंड यू सी यहाँ पे आप इसको ओपन करते हो टेलगेट को, ये यहाँ से उठा लो, आपको रियर डिफॉगर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके अंदर स्टॉप लैंप है, इसके अंदर दो लोग आगे दो लोग पीछे देखने को मिलते हैं। एंड ये देख लो रिवर्स में दो पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, टूल किट वगैरह यहाँ रखी हुई है, ठीक है ना। बंद करता हूँ ऐसे करके बंद, हाइड्रोलिक दोनों आ रहे हैं, ठीक है, डबल हाइड्रोलिक्स है, ये हो गया बंद आपका। आ जाओ एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं, हाइट एडजस्ट देखने को मिलता है बेस मॉडल में, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर हाइट है यार, ऊपर के मॉडल में भी नहीं आ रहा यार ये, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, काफ़ी ग्रिप वाली सीट है, बढ़िया हाइट एडजस्ट, ऐसे नीचे ये नीचे हो गई, इससे रिक्लाइन एंगल चेंज होता है, पीछे करनी है सीट यहाँ से करके पीछे कर दो, चढ़ना है ऊपर यहाँ पे भाई पैर रखो, एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं है तो भाई ऐसे करके बैठ जाता हूँ, मतलब मुझे दिक्कत फील नहीं होती थार में, भाई हमने भी तो रख रखी है थार अपनी। ये रही चाबी, म्यूजिक सिस्टम खाली बिल्कुल, यहाँ पर लगाओ क्लच दबाओ, ये हो गई स्टार्ट, फुल स्वाइप, थार की ब्रांडिंग यहाँ देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है। ट्विन पिक्स का लोगो, दो एयर बैग्स आते हैं, एक इधर है एयर बैग, एक एयर बैग उधर है, ग्रैब हैंडल यहाँ पर है, एंड यू सी मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर, टिकट होल्डर यहाँ पर है, ये देख सकते हो मिरर यहाँ पर है, हार्ड टॉप है, बढ़िया यहाँ पे लैम्प। अभी मैनुअल गाड़ी है, 4x4 नहीं है, 4x2 है। यहाँ पे आपको इसके 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, दो आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, दो कप होल्डर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 6 गियर, 1 रिवर्स, जैसी रिवर्स डालता हूँ कुछ भी नहीं आता, ये देख रहे हो, ठीक है यार। डिस्टेंस टू MT वगैरह टॉगल वॉगल करना यहाँ से कर सकते हो,
DEF लेवल माइलेज देख लो, 10.3 का माइलेज दिखा रही है क्योंकि अभी नई गाड़ी है बिल्कुल, है ना। मैनुअल एसी के इवेंट्स कंट्रोल वगैरह, एसी इवेंट यहाँ पे देख लो, पियानो की सी फिनिश है, हाथ वाट डाल लो उसके, स्पीकर नहीं है। अरुण भाई की जैसे आपकी देगी ना क्रेटा, तो यहीं पे स्पीकर रख लो बढ़िया। यहाँ पे चेक करते हो, छोटा सा ग्लव बॉक्स है। पीछे जाना है तो ये सीट आपकी आगे फोल्ड हो जाती है, तब पीछे जा सकते हो। ये देख लो काफ़ी सही, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट की माउंटिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलती है, ये देख सकते हो। एंड यू सी बढ़िया है, कुशनिंग इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी लग रही है। क्रोम वगैरह यहाँ पर हो गया, डिसेंट है। क्वालिटी वाइज आई एम सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडलाइट कंट्रोल ले रहे हैं, एंड यू सी आपके वाइपर कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पूरा मेन्यू हेडलाइट लेवल है यहाँ पर। आइडल इग्निशन स्टार्ट स्टॉप ये रहा, दो चाबियाँ, ठीक है। तो भाई कैसी लगी आपको ये थार? ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, लाइक ये भाई रैली वैली में जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना लोग, इनको शौक होता है ऑफ रोडिंग करने का, एंड अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे गाड़ी को। तो ये गाड़ी भाई बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बनी है। ये बेस मॉडल है, काफ़ी सही पैकेज में बोलूँगा, ब्लैक कलर में गाड़ी अच्छी लग रही है। मिलता हूँ गाइज अगले वीडियो के अंदर। आवाज़ यार बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। चलो भाई बाय।